इस वक्त आपके स्क्रीन पे मैं आपको दो वीडियो दिखा रहा हूँ। दोनों ही वीडियो हॉस्पिटल का है। वीडियो कहाँ का है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, कैसा हेल्थ सिस्टम आपको कहाँ का देखने को मिलता है। पहला वीडियो देखिए जो कि सरावस्ती का बताया जा रहा है, जहाँ पे कुत्ते सोए हुए, इमरजेंसी वार्ड है। इमरजेंसी वार्ड में आप देखिए कि कुत्ते आराम कर रहे हैं। भारत समाचार की आपको खबर दिखा रहा हूँ। दूसरा वीडियो आप देखिए, दूसरा वीडियो भी सरावस्ती का ही बताया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे जो है वो जानवर घूम रहे, जो छुट्टा जानवर जिससे पूरा पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है, वो छुट्टा जानवर जो है वो हॉस्पिटल में घूम रहे हैं। घूम रहे क्या हालत है हॉस्पिटल का, ये आप देख सकते हैं। पहला वीडियो की बात करें तो भारत समाचार ने लिखा है, सरावस्ती सरकारी हॉस्पिटल में आवारा कुत्तों का कब्जा, इमरजेंसी वार्ड के बेड पर कुत्ते कर रहे हैं आराम। आप देखिए ये जो पूरा ट्वीट है वो बाकायदा किया गया है, इसको लेकर के ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। और जब वायरल हुआ तो आप देख रहे हैं इस वीडियो में कि क्या हालत है। जहां पे इंसानों को सोया हुआ होना चाहिए, वहां पे कुत्ते सोए पड़े हुए। उसके बाद आप देखिए ये जो दूसरा वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी सरावस्ती का बताया जा रहा है। और ये बोलता उत्तर प्रदेश है, जिसने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो जानवर है वो घूम रहा है, जो छुट्टा जानवर है वो घूम रहा है। अब जरा आप बताइए कि क्या क्या स्वास्थ्य व्यवस्था, क्या हेल्थ सिस्टम है, ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। वैसे मैं कई बार आपको ऐसा वीडियो दिखा चुका हूँ। इससे पहले भी आपने देखा था कि कैसे कुत्ते जो है वो हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, आराम कर रहे हैं। जहाँ पे इंसानों को होना चाहिए वहाँ पे कुत्ते जानवर जो है वो आपको मिल रहे हैं, जिसको लेकर ये दो वीडियो सामने आया। और तीसरा वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, देखिए भारत समाचार ने इसे भी ट्वीट किया है। और यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं 108 नंबर जो एम्बुलेंस है उसे धक्का मारना पड़ रहा है। अब जरा बताइए आप कि धक्का मारना पड़ रहा है एम्बुलेंस को, क्या होगा, कैसे जो मरीज है वो जा पाएंगे हॉस्पिटल या फिर हॉस्पिटल से घर आ पाएंगे। इस बीच लोगों की जान चली जाएगी। ये स्वास्थ्य व्यवस्था है उत्तर प्रदेश का। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा देखने के लिए लोगों को अपना जिगरा जो है वो मजबूत करके रखना होगा, क्योंकि ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं कि जिसे देखकर लोग हैरान चौकन्ना हो जाएं कि ये किस तरीके का हेल्थ सिस्टम है, कि इस हेल्थ सिस्टम पे कोई सरकार की जवाबदेही नहीं है। लगातार ऐसे वीडियो ऐसे तस्वीरें सामने आती रहती है। आप किस तरीके से देखते हैं इन दोनों ही वीडियो को जो आपने देखा है? स्वास्थ्य व्यवस्था जिस तरीके से आपको दिखाई दिया है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।